1960 से पहले धोबी समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल रहा था, तब नागपुर मध्य प्रदेश में था, जिसके बाद नागपुर को तोड़कर महाराष्ट्र में विलीन कर दिया। इस वक्त सरकार ने एक नीति के तहत धोबी समाज को अनुसूचित जाति के गढ़ से निकालकर ओबीसी में डाल दिया और धोबी समाज का आरक्षण का नुकसान हो गया। ऐसा आरोप महाराष्ट्र धोबी समाज क्रांति विकास मंच ने लगाया है कि उनके संघर्ष के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनके आरक्षण की मांग मान ली और आरक्षण की फाइल को केंद्र सरकार को भेजना है। अब केंद्र सरकार ने इस निर्णय पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, इसलिए वह आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर संविधान चौक में जो धरने आंदोलन के लिए हम लोग समाज बंधु यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, समाज ने जो अभी तक कार्य किया है उस कार्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो समाज पर अन्याय किया है उस अन्याय के खिलाफ यह आंदोलन हमने शुरू किया था 2017 से बाबूजी के नेतृत्व में जो हमारे राज्याध्यक्ष है शेखर जी कनौजिया। महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश ये एक में था, सम्मिलित था उस समय। अपने महाराष्ट्र में धोबी समाज को एससी का आरक्षण मिला करता था और जिस समय यहाँ महाराष्ट्र सरकार को अलग कर दिया गया 1960 में जिस समय महाराष्ट्र अलग हुआ उस समय महाराष्ट्र सरकार ने धोखाधड़ी करके समाज के साथ में यहाँ आरक्षण समाप्त किया किसी को ना बताते हुए। और यहाँ जो धोखा हमारे साथ हुआ था उस धोखे के लिए हम लोग सभी समाज बंधु शेखर जी कनौजिया इनके नेतृत्व में संपूर्ण महाराष्ट्र में हमने एक आंदोलन की मशाल जलाई और उस आंदोलन की मशाल हर जगह ऐसी जली कि एक दिन सरकार की नींद खुली और उस समय ऐसा लगा उनको कि भांडे समिति का जो अहवाल था वो सचमुच इनके हित में था। जो उसकी रिपोर्ट थी भांडे समिति की अहवाल की रिपोर्ट जो 20 साल से मंत्रालय में महाराष्ट्र मंत्रालय में पड़ी थी उस रिपोर्ट को राज्य सरकार ने 4 सितंबर 2019 को केंद्र को भेजा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।